कहो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। कहो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है, कह दो अल्लाह का, उसने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है, वो तुम सबको कयामत के दिन जिसमें कुछ भी शक नहीं जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है और वो सुनता है जानता है। कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं, कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। ये भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बनूं, और ये कि ऐ पैगंबर तुम मुशरिकों में न होना। ये भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से उस रोज अजाब टाल दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, और यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो दाना है खबरदार है।